हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज देखिए, हम लोग मम्मी के घर से जा रहे हैं वापस। मैं बीच में कोई भी ब्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि घर आने के बाद फिर ब्लॉग बनाने का मन होता नहीं है। तो आज हम लोग घर वापस जा रहे हैं और सब लोग तैयार हो गए हैं और बच्चे भी देखिए तैयार हो गए हैं। और देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये देखिए। मम्मी ने एक रैबिट पाल के रखा हुआ है, उसको खिला रहा है। देखिए रैबिट भी दुखी हो रहा है, हम लोग घर जा रहे हैं तो देखिए कैसे रख के बैठा हुआ है, उसको कितने अच्छे से खिला रहा है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा मेरा कैसे लेके बैठा हुआ है उसको, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं तो उसको बोल रहा है कि देखो आज हम लोग घर चले जाएंगे, फिर तुमको कौन खिलाएगा। और बेटी भी मेरी देखिए आ गई है, अपना टॉयस रखे हुए है, क्योंकि राखी के टाइम में जब लॉकडाउन था ना तो मेरे बेटे ने उसको यही गिफ्ट दिया था, तो वो भी उसको रखे हुए है। नानी के घर पर छोड़ के आ जाती है, जब हम लोग जाते हैं तो उसको ले लेती है। तो ये देखिए दोनों, देखिए कितने प्यार से बैठ जाता है, वो भी इन लोगों को पहचानने लगा था। और देखिए देखिए भाग रहा है, और मेरा बेटा इतने अच्छे से दोनों भाई बहन उसको रख लेते हैं और आकर के बैठ जाता है गोद में। तो देखिए कितना खुश हो रहा है, और उसको देखिए बिस्किट दे दिया है, उसको बिस्किट खाने का बहुत ज़्यादा वो है। ये लोग आए हैं ना तब से उसको बिस्किट खिलाने लगे हैं, उसको बोल देंगे ना ले, उसका नाम बनी बनी रखा है तो बोल देंगे उसको ले बनी बिस्किट ले ले। इतनी जल्दी आएगा इन लोगों के पास या फिर किसी भी पैकेट वगैरह की आवाज़ आएगी ना तो बहुत जल्दी इनको देख करके आ जाता है पास में। और ये देखिए बहुत सुंदर है, और सब अपने छोटे बच्चों के जैसे वो करता है, बिल्कुल पीछे पीछे आएगा, कोई भी चीज़ को मांगेगा। और बेटी और मेरे बेटे के साथ तो इतना खेलता है बहुत। और बिस्किट खा लेगा ना तो थोड़ा सा बिस्किट का टुकड़ा छोड़ करके बस चला जाएगा, पूरा बिस्किट नहीं खाता है जब भी देते हैं तो। और देखिए कितने आराम से बैठ करके खा रहा है, इधर ही घूमता रहता है ये नीचे वाले रूम में। तो ये देखिए कितने अच्छे से खा रहा है बिस्किट, ऐसा लगता है जैसा कि बहुत प्यारा है यार वो, बहुत प्यारा। देखिए सोता भी रहता है, खाता भी रहता है, बहुत शांति है उसके अंदर। और देखिए उसको देख करके भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब बिस्किट देखिए ख़त्म हो गया है और वो भाग जाएगा, देखना। इसी तरीके से मम्मी ने इसको रख के रखा है, घास खाता है, सब कुछ खाता है, और इतने अच्छे से घूमता रहता है बहुत अच्छे से। और नहला देते हैं उसको, इतने आराम से घूमता है सारे घर में। और जैसे ही खाने की खुशबू या किसी चीज़ की खुशबू आती है ना, वो इतनी जल्दी दौड़ के आता है। और देखिए कैसे सुनता है, उसके कान ना लगे रहते हैं सुनने के लिए कि कौन क्या बोल रहा है। तो देखिए अब बिस्किट ख़त्म हो गया, इतना टुकड़ा तोड़ छोड़ करके चला जाएगा। देखिएगा अब देख रहा है मेरी बेटी को, हम लोग इधर बैठे थे उसके पास में तो देख रहा था हम लोगों को, और इतनी ज़बरदस्ती आके गोद में बैठ जाता है। ऐसी आदत सीखा है, जैसे पालतू जानवर तो फिर पालतू हो ही जाते हैं। तो देखिए मेरी बेटी उससे बात कर रही है, वो भी बात करती है ना, सुनता है, भाग गया। देखिए अब हम लोग निकल आए हैं मम्मी के घर से, और वो उतना वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी बहुत दुखी हो जाती हैं जब हम लोग घर से आते हैं। तो देखिए जा रहे हैं हम लोग, हम चारों लोग, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों लोग ही आए थे और चारों लोग ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद से आ जाती हूँ और खुद से चली जाती हूँ। हम लोग मम्मी के घर से निकल आए हैं और रास्ते में रुके हुए हैं, जैसा कि जाते टाइम में रुके हुए थे ऐसे ही अभी रुके हुए हैं। और आवाज़ बहुत आ रही है रोड की, और मम्मी के घर से आने के बाद ना फिर बात करने का मन नहीं होता है, क्योंकि अजीब सा मन होता है मम्मी के घर से आने के बाद में। और ये देखिए मेरे पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, बैगन लगे हुए हैं खेत में, उसको देख रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बैगन का खेत, बच्चों ने बैगन देखे तो मैंने उनको बोला कि देखो बेटा ब्रंजिल लगे हुए हैं। तो उन लोगों ने बहुत देर तक इसको देखा, खेत को, बोले मम्मा ऐसे लगते हैं बैगन, ये और वो, 50 बात, पता नहीं कितनी बातें बच्चे करते हैं। और इतना बड़ा खेत था, पूरे खेत में बैगन लगा हुआ था, और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर। हम लोग तो बाहर ही रुके थे उसकी बाउंड्री के, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि हमारे पास में ही थे वो पेड़। तो मेरे बेटे से मैंने बोला कि देखो बेटा कितने सारे बैगन लग रहे हैं, तो मैंने बोला कि अगर इनको चोरी करना होगा तो कैसे करोगे तुम,
ये देखिए पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, अगर आपको पता है तो बताइएगा। तो मेरे बेटे ने देखिएगा अलग अलग स्टाइल करके बताई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए वो लोग पानी पी रहे हैं, और धूप थी ना उस टाइम में, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को गर्मी होने लगी थी। मैं उनको फुल कपड़े पहना के ही लाती हूँ, क्योंकि बाइक से जब भी हम लोग आते हैं। तो ये देखिए कैसे जा रहा है, बोल रहा है एक तरीके से तो ऐसे चला जाऊँगा मैं अंदर, उसको पता है कि ऐसे जाते हैं। ये देखिए, और दूसरी स्टाइल ये वाली है, उसको ये पता नहीं है कि बीच में जो तार वगैरह लगे हैं, जो बाउंड्री लगी है, उसको पार नहीं कर सकते हैं। तो जो बच्चों ने कभी जो काम किया नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दोबारा से। एक बार बीच में हम लोग रुकते हैं, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं बैठे हुए। और ये देखिए ये कौन सी जगह है, जो लोग भोपाल के होंगे वो लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जगह कौन सी है। ये वाला ओवरब्रिज जो है बहुत लंबा और बड़ा बना हुआ है, और यहाँ से निकलना और यहाँ पे खड़े होना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आसपास की सारी चीज़ें और ठंडी हवा इतनी अच्छी लगती है। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, और जो लोग भोपाल के होंगे ना वो लोग मुझे पहचान गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, और मौसम भी अब हल्का हल्का शाम होने लगी है, क्योंकि हम लोग 3 बजे के करीब के निकले थे, और 1 से 1.5 घंटा मम्मी के घर से आने में लग जाता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और मेरी बहन जो है रिकॉर्ड कर रही थी। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं, इस घर पहुँचने के बाद में फिर मैं आपसे बात करूँगी अच्छे से, और घर जाने के बाद में खाना भी बनाना है, क्योंकि बाहर का कुछ नहीं खाना है। तो खाना तो हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे बस, और क्योंकि थक गए हैं। तो ये देखिए घर आने के बाद मैंने भिंडी ले लिया था रास्ते से, तो ये भिंडी में तड़का लगा दिया है। इसमें मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्च, जीरा और राई, बस सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। थोड़ा थोड़ा ही खाना खाना है, क्योंकि सब लोग बहुत थक गए हैं। तो इस हिसाब से मैंने देखिए सिंपल सा तड़का लगाया है। आप इस तरीके से भिंडी बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती है और जल्दी भी बन जाती है, और बिल्कुल लसलसी नहीं बनती है, सूखी एकदम करकरी सी बनती है। तो देखिए मैंने भिंडी डाल दिया है, अब मैं इनको फुल फ्लेम पर ही, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर ही अच्छे से चलाते हुए इनको पकाऊँगी। और देखिए मेरा ऑयल जो था ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया था, तो कढ़ाई में भी निशान आ गया है। तो देखिए भिंडी मेरी अच्छे तरीके से, इस तरीके से मैं इनको मिक्स कर लूँगी, और फुल फ्लेम पर ही इनको चलते रहने दूँगी। इधर मैंने दूध रख दिया है, तो दूध भी देखिए मेरा गर्म हो गया है। सारा सामान हम लोगों ने रास्ते में रुक करके ख़रीदा, क्योंकि घर बंद करके जाते हैं तो फिर आने के बाद में फिर ज़रूरत पड़ती है सारी चीज़ों की। तो ये देखिए अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, भिंडी आधी पक गई है मेरी, और नमक। बस अब इसको आराम से लो फ्लेम पर पकाना है हमको। तो देखिए इस तरफ मेरी बहन रोटी बनाने लगी है, और जो काम हमारी बहन हमको करके दे सकती है वो कोई और नहीं करके दे सकता है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। तो ये देखिए मैं रोटियां सेक रही हूँ और वो रोटियां बना रही है, और बेटा आ गया है, उसको भूख लग रही है, तो मैंने उसको दे दिया है खाना। सिंपल ही खाना है आज, कुछ नहीं बनाया है एक्स्ट्रा, सिंपल सी सब्ज़ी और रोटी। और मैंने बोला आप लोग गरम गरम खा लो, क्योंकि जुकाम था, तो गरम गरम खाने के लिए ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने सारा काम अपना जल्दी जल्दी फटाफट कर लिया, और काम हमारा ख़त्म हो गया, रोटियाँ लगभग बन गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 6:30, और मैं बैठी हूँ अपनी छत पर, क्योंकि शाम को मैं रात में अपनी वीडियो कॉल नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो सो जाते हैं। और जो सफ़र करके आते हैं खासकर मम्मी के घर से, तो फिर कुछ काम करने का मन नहीं होता है, और बहुत बुरा लगता है। और किस किस को ऐसा लगता है कमेंट कर करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मम्मी के घर से आने के बाद ना फिर कोई काम करने का मन नहीं होता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि शांत रहो, बस बोलो मत किसी से। तो इसीलिए कल मैंने वीडियो का एंड नहीं किया, और आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत अच्छे से अच्छे वीडियोस देने का, और आप लोग कैसे हैं बताइएगा मुझे। और देखिए सुबह कितना अच्छा लगता है, मॉर्निंग में मौसम देखिए कितना ठंडा और अच्छा है, हल्की हल्की ठंडी भी होने लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग मेरे वीडियोस इस तरीके से देखते रहिएगा, और अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय।